पढ़े थे अपन नाम अत्यंत अभाव। अत्यंत अभाव मतलब बिल्कुल अभाव। अत्यंत अभाव कितने द्रव्यों के बीच में होता है? अत्यंत अभाव कितने द्रव्यों के बीच में होता है? कोई से भी दो द्रव्य, कोई से भी दो द्रव्य, एक द्रव दूसरे द्रव का कुछ कर सकता नहीं है। सुना होगा आपने, एक द्रव दूसरे द्रव का कुछ कर सकता नहीं है। तो ये मुझे गाली दे तो मेरा बुरा हो सकता है कि नहीं? तो गुस्सा आएगी कि नहीं आएगी? वो गाली देगा अपन मुस्कुराएंगे क्या? एक द्रव दूसरे द्रव को कुछ कर सकता नहीं है। दूसरों की बद्दुआएं हमें कुछ कर सकती है? बोलो। कल सब पढ़ाया था अपन ने, आज अपन आगे चलेंगे अन्योन्य भाव। प्राग भाव पर दोनों स्वभाव में क्या सीखा था तुम्हें याद? बोलो बेटे शाबाश। वर्तमान से भूतकाल क्या अभाव क्या हुआ क्या पूरा बोलो अच्छे से बोलिए शाबाश। पीछे बोलो बेटे। हाँ, वर्तमान पर्याय का भूतकाल की पर्याय में अभाव, प्रागभाव और वर्तमान पर्याय का भविष्य की पर्याय में अभाव, उसका नाम याद हो गया सबको? ध्यान से अच्छे बैठे बड़ी ऐसे अच्छे बैठे। प्रागभाव प्रध्वंसा भाव में दो शिक्षाएं महत्वपूर्ण थी कल, भूतकाल में नहीं और वर्तमान भविष्य काल में नहीं, वर्तमान में जीना सीखो। याद है आपको? वर्तमान में जीना सीखो। जिनका वर्तमान अच्छा होता है उनका भविष्य अच्छा होता है, इसलिए वर्तमान में जिए। भूतकाल की बातों का टेंशन नहीं रखिए, भूतकाल के रोना मत रोइए, भूतकाल में क्या हो गया उसको भूल जाइए। आप ऐसा भी रो सकते हो, भगवान हम अनंत बार समोसरण में गए लेकिन सम्यक दर्शन नहीं ले पाए। अब नहीं ले पाए तो आज ले ले, और आज भी नहीं ले पाओ तो कोई बात नहीं कल ले लेना। लेकिन रोना, जैन दर्शन में रोने का कोई स्थान नहीं, दुखी होने का कोई स्थान नहीं है, याद रहेगी बात। और भविष्य का क्या कह रहा है? हाँ, भविष्य का प्लान मत बना दे रही है, भविष्य के सपने ही मत देखते रहिए, आप वर्तमान में जियो। और इधर देखो बेटे, इधर उधर नहीं, इधर ही देखिए प्लीज। हेलो, क्या दिख रहा है हमें? देखा आप जितनी जल्दी कॉन्सेंट्रेट होंगे उतनी जल्दी मैं पढ़ाना शुरू करूं। आइए अब अन्योन्य भाव की चर्चा करती है, ध्यान से सुनेंगे। दो भूतकाल द्रव्य की वर्तमान पर्याय, क्या बोला? दो भूतकाल द्रव्य की वर्तमान पर्याय। क्या बोला? दो भूतकाल द्रव्य की वर्तमान पर्याय। क्या बोला? दो भूतकाल द्रव्य की वर्तमान पर्याय। एक पर्याय का दूसरी पर्याय में अभाव, दोनों भूतकाल पर्याय वर्तमान की है, दोनों भूतकाल पर्याय वर्तमान की, और एक पर्याय का दूसरे पर्याय में अभाव, याद रहेगी सबको? याद हो गई परिभाषा? दो पुद्गल पर्याय की वर्तमान, वर्तमान पर्याय, दो पुद्गल द्रव की, दो पुद्गल द्रव की वर्तमान पर्याय का एक पर्याय का दूसरे पर्याय में अभाव, बराबर। अच्छा बैठिए, बढ़िया। आइए दृष्टांत देना शुरू करूं फटाफट, पकड़ना। दूध में पानी में हम शक्कर डालें तो पानी कैसा होगा?
पानी कैसा हो जाएगा? पानी में शक्कर डालेंगे तो पानी कैसा होगा? मीठा नहीं होगा। अच्छा कितने लोग कह रहे हैं कि मीठा होगा? हाथ खड़े करें। कितने लोग कह रहे हैं मीठा होगा पानी? पानी में शक्कर डालेंगे तो पानी कैसा होगा? अरे उधर कह रहे, तुम अपना हाथ खड़ा कर लो। एक हाथ, दो हाथ, वेरी गुड, दो हाथ, दो साहसी बच्चों ने हाथ खड़े किए, दो, तुम्हारा भी नहीं? तो तुम्हें नहीं लगता पानी में यदि हम शक्कर डालेंगे तो पानी कैसा होगा, खट्टा कि मीठा? अभी हाफ हाफ है। हाँ बोलो, तुम्हारा भी हाथ नहीं? देखो सारी दुनिया कहती है कि पानी मीठा हो गया, लेकिन अन्योन्य भाव कहता है पानी भी पुद्गल है, शक्कर भी पुद्गल है, और दोनों वर्तमान पर्याय है, और एक पर्याय का दूसरे पर्याय में अभाव होने से पानी कभी मीठा होता नहीं है। अच्छा दाल में ज्यादा लाल मिर्च डल जाए तो दाल कैसी लगने लगती है? दाल में ज्यादा लाल मिर्च डल जाए तो दाल कैसी बनती है, मीठी या चटपटी? है कुछ नहीं बनती, तो तुम शिकायत नहीं करोगे वहां? भाई भोजन सलाम कल मिर्च डलवा देना, बढ़िया जी बोल रहा है। देखो ध्यान से सुनो, खेलो नहीं, खेलो नहीं, पैर रखो नीचे, हाथ हटा लीजिए, नीचे बैठ जाइए अच्छे से, अच्छे बैठ, ऐसे नहीं बैठना आप, ऐसे नहीं, वैसे बैठिए जैसे बैठे, अच्छे बैठिए, पीछे से रखिए थोड़ा, हाँ जगह कर लीजिए, अच्छा एक छोटे बच्चे को आगे बैठा लीजिए, आपका आवरण आ रहा है उसके ऊपर, इधर आ जा, वेरी गुड। अभी ध्यान से सुनना, अपन कौन सा दृष्टांत दिया था? हाँ मिर्ची का। अभी ध्यान से सुनोगे, याद रखना है उत्तर। इंद्रिय ज्ञान से तो लगता है कि दाल चरपरी हो गई, लेकिन सर्वज्ञ भगवान का ज्ञान कहता है, अतीन्द्रिय ज्ञान कहता है, केवल ज्ञान कहता है, वस्तु स्वरूप का अन्योन्य भाव कहता है कि दाल कभी भी चरपरी होती नहीं है, चरपरी तो मिर्ची होती है। समय सार जी में दृष्टांत मिलेगा आप पढ़ोगे तो, दाल और खारापन, दाल का खारापन, दाल कभी सब्जी खारी होती नहीं, कभी खारा लक्षण तो नमक का है, बराबर है? ध्यान रखेंगे ये दृष्टांत। अब तुम्हें लग रहा है बहुत सिंपल सा सिद्धांत सीख रहे हैं, आपको क्या लगता है आप स्कूल कॉलेज में सीख रहे हैं ना, वो बहुत बड़ा ज्ञान है, और अभी मैं आपको अन्य भाव पढ़ा रहा हूँ तो आपको लग रहा है वो तो वही है, अपन तो भैया DPS में पढ़ते हैं, RGS में क्या रखा है, परीक्षा में 5000 ठीक है अपन तो आपको हम ये कहना चाह रहे हैं पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा ज्ञान है अन्योन्य भाव का ज्ञान। आपको बताएं पूरे वर्ल्ड का साइंस इस अन्योन्य भाव पर टिका हुआ है, बताऊं दृष्टांत? सुनोगे दृष्टांत, पूछूंगा बाद में। इस समय इसी वायुमंडल में ये मेरी उंगली है और इस उंगली पर ये पॉइंट, इस पॉइंट पर आप बता सकते हो कितनी आवाजें हैं, कितनी फोन की आवाजें हैं, कितने टेलीविजन चैनल के पिक्चर्स इसी पॉइंट पर है। यदि 1000 चैनल चल रहे मान लीजिए आपके, उसमें कितने चलते हैं, 1000 की 2000, आजकल कितने चैनल आ जाते हैं डिश टीवी पर, है 400 बस, 700, हाँ जो अपन 2000 मान लो, कोई दिक्कत नहीं। आप पूरे वर्ल्ड के डिश चैनल लगा लीजिए, अमेरिका, रूस, जापान, फ्रांस, और एक एक देश में जाने कितने चैनल है, और भारत में भी बहुत सारे चैनल है, ये सारे के सारे चैनल एक स्विच बदलते से ही आने लगते हैं आपके पास, आने लगती। इसका मतलब यहाँ पर पूरे वर्ल्ड के जितने टेलीविजन चैनल है उनकी पिक्चर यहाँ पर है, और एक चैनल की पिक्चर दूसरे चैनल की पिक्चर को डिस्टर्ब नहीं कर रही है, कितनी कमाल की बात है। इसी वायुमंडल में समझ लो इस समय पूरे वर्ल्ड में 1000 पिक्चर दिखाई जा रही है, इंग्लिश, जर्मनी, फ्रेंच, भारतीय, दक्षिण भारतीय, कौन कौन सी होती, मलयाली, कन्नड़, मराठी, यहाँ सब पिक्चर चल रही है, सारी पिक्चर यही चल रही है।
और अभी आप बस चैनल बदलो, एक बटन रिमोट से एक चैनल बदलो, आप उर्दू पिक्चर देखने लगेंगे पाकिस्तान की। एक सेकंड में आपने बटन दबाया आप इंग्लैंड की पिक्चर देखने लगेंगे, जर्मनी की देखने लगेंगे। इसका क्या मतलब, सारी सारी पिक्चर एक ही पॉइंट पर मौजूद है, एक ही पॉइंट, पॉइंट समझ गए, एक ही स्थान पर। ऐसा नहीं कि लाइन लाइन लगा खड़े हैं, जो हिंदी वाली पिक्चर इसका इंग्लिश, इसका उर्दू, फिर बटन दबाएंगे तो सड़क के आगे आएगी, ऐसा नहीं। इस समय खरबों फोन है, खरबों मोबाइल फोन। यदि कोई अमेरिका से फोन लगाए और वो व्यक्ति यहाँ बैठा है तो उसके मोबाइल पर आवाज आएगी कि नहीं आएगी? यदि वो सबमरीन में बैठा हो तो सबमरीन में आवाज पहुंचेगी नहीं समुद्र के अंदर? यदि वो आकाश में हवाई जहाज में उड़ रहा है तो उसके पास आवाज पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी? इसका क्या मतलब, करोड़ों फोन, अरबों फोन, खरबों फोन, उन सब की आवाजें पूरे वायुमंडल में एक साथ मिलती है और एक फोन का नंबर दूसरे फोन नंबर को टकराता नहीं। क्या कमाल है, ये कमाल है अन्योन्य भाव का। एक आवाज दूसरे आवाज को डिस्टर्ब करती, एक फोन दूसरे फोन को डिस्टर्ब करता नहीं। देखो मुझे टावर लगते हैं, टावर आइडिया का और कौन कौन से फोन, एयरटेल का, जियो, हाँ सैमसंग, वीडियो कौन, ठीक है चला। अब जितने टावर लगी हैं उन टावर में तो भेद कर रहे हैं वो लोग, नहीं यहाँ पर जो आवाजें हैं, यहाँ पर कौन सी मशीन लगी है वायुमंडल में, यहाँ कौन सी मशीन लगी हुई है, ये एयरटेल वाली मशीन, एयरटेल के फोन को छांट छांट के ले लेगी इसमें से, आइडिया वाला अपना अपना फोन नंबर छांट लेगा इसमें से, ये यहाँ कौन कर रहा है? कमाल है आपका, एक भी नंबर दूसरों से। आपको पता होगा रेलगाड़ी का टिकट खरीदते हैं मोबाइल से टिकट खरीद लेते हैं, ऑनलाइन खरीदते, अब उसमें आता है आखिरी में पेमेंट, तो अपन ने कर दिया डन, डन किया तो अपने बैंक में से पैसे कट गए, यहाँ अपन ने बटन दबाया और उसी समय हमारे बैंक में माइनस हो गए और टिकट के पैसे कट गए। अब हमने देखा हमारे पास टिकट ही नहीं आया, देखा कभी आपने ऐसा, अपनी अपने मोबाइल में टिकट नहीं आया, मैसेज नहीं आया टिकट का और पैसे कटे ही गए, तो हम घबरा गए, 5000 रुपए कट गए और टिकट आया नहीं, अब मांगने कहाँ जाएंगे हम, टिकट किससे मांगेंगे, पैसा किससे मांगेंगे, हमारे मोबाइल में आए नहीं। तो वो व्यक्ति इतना सम्यक दृष्टि था, ऐसे निशंक होके बोला, पंडित जी डोंट वरी, शाम तक आ जाएगा। नहीं शाम तक कहां से आ जाएगा, जो अभी तक नहीं आया, बोले ट्रैफिक में फंसा है। मैं कह जेबी गजब हो गए, अभी तक तो हमने सड़कों का ट्रैफिक देखा था, अब फोन के भी ट्रैफिक में फंस गए। आपने देखा है, आप SMS डालते हो और ट्रैफिक में फंस जाते हो। आपने ऑनलाइन बैंक में पैसे जमा कराए या पैसे निकाले हैं? अब एंट्री वहां से चल दी और आपके पास आई नहीं, आपके मोबाइल में समाचार आना चाहिए, उसका मैसेज आना चाहिए, आपका 1000 रुपया निकल गया है, जमा हो गया, वो आया ही नहीं। तो फिर उन्होंने कहा, क्यों भाई आपने भेजा क्यों नहीं? हम तो 2 दिन पहले भेज चुके हैं, ट्रैफिक में होगा, आएगा जरूर। मैंने क्या कमाल है, अन्योन्य भाव पर सारे देशों को भरोसा है। आपने यदि एंट्री जमा कराई है तो एंट्री मिलेगी, टिकट मिलेगा, फला होगा, आप मैसेज मिलेंगे, SMS मिलेंगे, समझे ध्यान से, क्या टिकट जमा कराई तो हमको SMS मिलेंगे, कब मिलेंगे, अगले जन्म में, तो मैंने कितना विश्वास, ध्यान सुन रहे सब लोग, ये अन्योन्य भाव का कमाल है। पहले जमाने में एक इतना बड़ा कैमरा होता था, एक काला सा ऐसा 15 मिनट तक ऐसे करता रहता था, 15 मिनट तक खड़े, फिर वो कहता था भाई साहब मुस्कुराइए, स्माइल प्लीज, और फिर एक ऐसे करता था, तब जाके वो उसका एक फोटो खींचता, फिर वो फोटो मिलता नहीं था, फिर वो फोटो वाला ले जाता था, फिर उल्टा सीधा करता था, नेगेटिव को पॉजिटिव करता था, तो धोता था, एक एक फोटो को धोता था, और यदि कलर्ड कराना होता था ना, बेचारा पेंटिंग मारता था उसके ऊपर हाथ, तब कलर्ड फोटो बनते थे। अब देखो आप मोबाइल के अंदर कितने कलर भरे हुए हैं, हाँ एक भी नहीं, क्या कमाल है। ए पीछे क्या कर रहे हो, खेल रहे हो आप, तो क्यों नहीं खेल रहे, अच्छे से बैठिए, ध्यान से सुनिए, ये बात आपके काम आएगी। अभी तो मैं आपको दृष्टांत दे रहा हूँ ताकि आपको जिंदगी भर याद रहे,
अब इसके बाद मैं प्रैक्टिकल घटाऊंगा इसके बाद, इसके लिए मैंने बहुत बड़ा टाइम रखा है आज। थोड़े ऐसे बैठो, इसकी आड़ में मत बैठो, थोड़े ऐसे बैठो सर, इधर आ जाओ इस साइड। हाँ जी, अब दिख रहा है, ठीक है। अभी जरा ध्यान सुनना, मेरे कुछ कहना नहीं पड़े, ए सीधे बैठ बैठ, ऐसे नहीं बैठ, जिनको डुकरा बनने हो ऐसे बैठना, कमर कमर झुका के नहीं बैठना, आपका ब्रेन तेज रखना हो और चश्मा उतारना हो, ध्यान रखना, चश्मा इससे ही चढ़ता है जी, बैठने का पोस्चर खराब हुआ और चश्मा चढ़ा, आप बिल्कुल सीधे बैठिए, बिल्कुल ठीक। आई इधर देखिए, जयपुर कोटा उधर नहीं देखी बिल्कुल, वो तो आते ही जाते हैं, कोई ना कोई, क्या करोगे आपको जाना तो वहां बैठ जाएगी। हाँ अच्छे से नहीं, ठीक है। अब देखो ऐसे डिस्टर्ब होंगे तो मजा नहीं आए, मेरे को फटाफट बताना है। अन्योन्य भाव, अन्य अन्य भाव, मोबाइल के अंदर कोई कलर नहीं भरे हुए, तुम्हारे वो क्या कहलाता है टेलीविजन में कोई कलर नहीं भरी और कितना फटाफट कलर चेंज हो जाती है, एक बटन बटन दबाया फोटो कंप्लीट तैयार, फटाफट फोटो आ जाती है, कौन पेंटिंग कर रहा है यहाँ, कौन बना रहा है, जो की त्यों फोटो आ रही है, ये कौन कर रहा है, ये अन्योन्य भाव, अन्योन्य भाव का कमाल है। दो पर्याय पुद्गल की वर्तमान पर्याय एक जैसे, वो क्या नाम है, एक का पर्याय का अभाव दूसरी पर्याय में है, इसका नाम क्या हो गया, अन्योन्य भाव। पेन रख दीजिए, पेन रख जल्दी से, पेन कोई भी हाथ में मत लो, जब लिखने की जरूरत होगी तो आप पेन ले लो। अब मुझे देखिए, ठीक से बैठे बैठे आपसे कह रहे, हाँ बढ़िया अच्छे से बैठे, अब जल्दी मेरे को बोलने दो, आप मेरे को आप बोलने नहीं दे रहे हो, मैं फिलो नहीं बना पा रहा हूं। अब देखो अन्योन्य भाव में, हाँ फिर से परिभाषा बोलो, दो वर्तमान पुद्गल की पर्याय का एक पर्याय में दूसरी पर्याय का अभाव, बराबर है। जैसे दूध में शक्कर डाली लेकिन दूध मीठा होता नहीं है, स्वामी जी इसके लिए बहुत अच्छी बात करती थी, सुना दूं की बात, सारा जगत हंसता था उस बात पर, आपको भी लगेगा, मोटर का पहिया बस का पहिया सड़क को छूता नहीं, मोटर पेट्रोल से चलती नहीं। हाँ ये आपने गुरुदेव के प्रवचन सुनते हैं, आप गौर से सुनना, ये बातें मिलेंगी आपको, कैंची से कागज कटता ही नहीं, आग से कागज जलता नहीं, आग से कपड़ा जलता नहीं, नीचे का ओंठ ऊपर के ओंठ को छूता नहीं, छूके बताओ ये उंगली अंगूठे को छू ही नहीं रही क्या कमाल है। अब देखो आप लग रहा है सब गड़बड़ झूठ झूठ बोल रहे, अभी कोई नया नया बच्चा आया हो इस साल, वो कह रहा हो देखो कैसे आंखों में धूल झोंक रही, अंगूठा छूता रहा है देखो। लेकिन यहाँ कमाल सूक्ष्म बात है, मैंने पहले ही कहा था इंद्रिय ज्ञान से ये बात नहीं समझ में आएगी, लेकिन केवल ज्ञान से ये बात सच्ची है, अन्योन्य भाव से ये बात सच्ची है। अब मैं इसके प्रैक्टिकल बताता हूँ, ये क्यों पढ़ाया जा रहा है अन्योन्य भाव, कि सारा जगत मानता है कि इस पुद्गल को दूसरे पुद्गल से काम किया जा सकता है, जैसे ये पुद्गल काला है तो पाउडर लगा दो तो अपन गोरे हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, सोच लो नहीं होंगे, तो फिर पाउडर क्या के लिए लगाना सर, नहीं पुद्गल है, ठीक है पुद्गल है, बस पाउडर लगाओगे कि नहीं लगाओगे, क्यों, हाँ जी पूछे ये बच्चे ने तो कह दिया क्यों लगाना, तुम बताओ भाई, यदि अपन गोरे नहीं काले हो तो गोरे होने के लिए क्या करेंगे अपन, जल्दी बोलो। अब सुनो ध्यान से, वर्ल्ड में ध्यान सुनो, वर्ल्ड में ऐसी कोई क्रीम नहीं है, वर्ल्ड में ऐसा कोई पाउडर नहीं है जो काले को सफेद कर दे, है ही नहीं, है ही नहीं। आपको पता है ये जो दीवार है ना, दीवार जैसे अपन व्हाइट वॉश कर देते हैं, व्हाइट वॉश कर देते हैं तो दीवार सफेद लगने लगती है, तो सफेद चूना ही सफेद दिखता है, अंदर तो वो ईट तो ईट ही है, और सीमेंट तो सीमेंट ही, जो प्लास्टर हुआ ना सीमेंट का, वहां तो सीमेंट ही है, हाँ ऊपर से आपने एक कोट कर दिया, काय का कोट कर दिया, व्हाइट वॉश, तो आपको सफेद लगने लगा, ऐसे ही ऊपर से पाउडर लगाया तो वो पाउडर ही सफेद है, चेहरा सफेद नहीं है। अब जो कोई चेहरा पे पाउडर और क्रीम लगा करके सोचता मैं सुंदर, वो मायाचारी कथा विचार, सबको लगना चाहिए मैं काला नहीं हूँ गोरा हूँ, एक काम करो भैंस को पाउडर लगा दो क्रीम लगा दो क्रीम लगा दो, तो फिर भैंस कैसी हो जाएगी खैर ये हमने दृष्टांत दिया,
आपको पता है वर्ल्ड में, इंडिया की बात कर रहा हूँ, अमेरिका में जो क्रीम बनती है ना, क्रीम या लिपस्टिक, उसमें केवल 2 नैनो डलते हैं, केवल 2 नैनो मटेरियल डलते हैं, और भारत में करीब 22-23 मटेरियल डालती, उनमें से 2 को छोड़ के जो 21 मटेरियल डाले जाते हैं लिपस्टिक में, क्रीम में, पाउडर में, जो भारत में डाले जाते, उनमें ऐसे खतरनाक चीजें डाली जाती हैं जैसे स्किन डिसीज हो जाती है, जिसकी रिपोर्ट आई है अखबार में पढ़ सकते हैं आप, स्किन डिसीज में कैंसर तक हो जाता है। अमेरिका में केवल आयरन एंड गोल्ड डालना अलाउ है, आयरन और गोल्ड शरीर के लिए नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन सीसा है और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बहुत शरीर के लिए क्षति पहुंचाती। आप कभी फिल्मी हीरोइन को देखा है आप लोगों ने? नहीं देखा होगा क्योंकि आपने क्रीम पाउडर ही देखा है, लेकिन जब असली हीरोइन देखोगे ना कभी आप बंबई में जाकर के, तो तुम पहचान ही नहीं पाओगे जी वही बहन जी है। रियली कह रहा हूँ। और आप जरा बड़े होंगे, छोटे छोटे हैं आप, बड़े होंगे तो आप न्यूज़पेपर को गौर से पढ़ के देखिए, जब भी कॉस्मेटिक का समाचार आता है ना, तो कोई कॉस्मेटिक का, तो उसमें लिखा रहता है 1 घंटा चढ़ाने में लगता है और 4 घंटा उतारने में लगता है। माने कॉस्मेटिक नहीं उतारा जाए और रात को सो जाए तो सुबह तक जख्म बन जाएंगे, पूरी स्किन बर्न हो जाएगी। इधर का उतारने का ब्रश अलग होता है, चढ़ाने का भी अलग होता है, ऐसे लिपस्टिक लगाने का होता है, ऐसे यहाँ का लगाने का होता है। वो जो आजकल ब्यूटी सेंटर नहीं खुलेगा क्या, कहता है ब्यूटी पार्लर, हाँ, अब आप वहां जाकर के देखियो, 1 घंटे में बेचारे का पूरा लगाते हो, पोता पोती बहुत करनी पड़ती है वहां सारे सारे। लेकिन मुझे तो ये कहना है, यदि उसे उतारा नहीं जाए और रात को सो जाओ तो स्किन डिसीज जाएगी। मुझे केवल ये बच्चों को बतानी है, ध्यान से सुनने के बाद, हो सकता है आप बच्चे, मेरे सामने एक बहुत सुंदर लड़का रहता था विदिशा में, मैं वहां का रहने वाला हूँ तो मेरे सामने रहता था, तो मैं कक्षा 6 में पढ़ता था और वो BCOM में पढ़ता था। उसका पूरा चेहरा जल गया, काले काले ये सब जल गए, तो मैंने कहा तुम्हारा चेहरा काला क्यों हो गया? तो आपको पता है हर लड़का ओवर स्मार्ट बनने के लिए नई नई साबुन इस्तेमाल करता है, अमेरिका की, जापान की, फ्रांस की, 150 रुपए की साबुन, 200 रुपए की साबुन, 500 रुपए, और जितना बड़ा बेवकूफ, जितना बड़ा ठगा जाए उतना बड़ा खुश, और इतनी महंगी साबुन, और वो करे क्या, 1 साबुन को 4 बार लगाए, मैंने घोरे होने के चक्कर में पूरा काला हो गया। आपको भी ऐसा लगता होगा, साबुन से रोज नहाना चाहिए, साबुन मल मल के नहाना चाहिए और खूब बढ़िया जम के, और थोड़ी देर खुशबू भी आती है साबुन की, तो आपको लगता है आपकी खुशबू है कि साबुन की है, लेकिन आपको मजा आता थोड़ी देर के लिए, लेकिन वो स्किन डिसीज होती है, पक्की बात है। आप चाहे तो रिपोर्ट पढ़ लीजिए, आजकल आपको हमारा विश्वास नहीं होगा, सर्वक का भरोसा नहीं होगा, लेकिन गूगल का भरोसा जरूर होगा, आप ऑनलाइन जाकर यू कैन चेक ट्रेस आउट। मैंने आपको सर्वक भगवान की बात को भी चेक करना हो तो किससे करोगे आप, गूगल क्या कहता है, तो खैर आपकी मर्जी, मैंने आपको बता दिया गूगल की रिपोर्ट, आप चाहें तो भी सारे समाचार आपको मिल जाएंगे, आप चाहें तो देख लेना कॉस्मेटिक के मामले में, सर्च करके देख लेना। चलिए आगे चलो, इतनी देर में हमने ये बात बता दी बच्चों के लिए, मैं जानता हूँ कई बच्चे गर्मी के दिन में पाउडर इधर भी लगाएंगे, इधर भी लगाएंगे और इधर पूरे में लगा लेंगे, और थोड़ी देर में पसीना चिपचिपा हो गया, अब बदबू आने लगी। आपको पता है 84 लाख योनियों में, 84 लाख योनी नाम तो सुनिए ना, 84 लाख योनियों में एक मनुष्य ही ऐसा बेचारा असुंदर है जिसे कॉस्मेटिक लगाना पड़ता है। कौआ कभी कॉस्मेटिक नहीं लगाता लेकिन बड़ा प्यारा होता है, रैबिट कॉस्मेटिक नहीं लगाता लेकिन बढ़िया लगता है, और बोला सारे पशु पक्षी जितने हैं बड़े सुंदर लगते हैं, मैना, कोयल, तोता, हाँ तोता क्यों, तुम यदि एक दिन नहीं नहाओ ना तो तुम्हें सब देख के पहचान जाएंगे यार तुमने नहाया नहीं। तोता को तुमने बिना नहाया देखा कभी नहाता नहीं है, लेकिन एवर ग्रीन स्मार्ट। बंदर कभी दांत मांजता है, लेकिन बंदर के दांत कभी खराब नहीं देखे होंगे, आदमी ज्यादा समझदार है, लगा है 1/2 घंटा मालूम पड़ा उनका एनिमल खत्म दांतों का, और मालूम पड़ा दांतों का वो कैल्शियम ही घिस गया बेचारा, और अधिक सफेद, और श्वास की बदबू को दूर करे।
दूरियां नजदीक ले आए। माने आप जितने जितना ये ब्रश करते हैं जितना, इनमें हड्डियों का पाउडर 99% होता है। हड्डियों का पाउडर आपको बजरंगड़ है ना, बजरंगड़ गुना के गुना का, बजरंगड़ के बीच, गुना बजरंगड़ के बीच में एक बीच में बहुत बड़ा स्थान है, वहां पर ट्रकों के ट्रक भर करके हड्डियां इकट्ठी की जाती हैं। जंगलों में आप कभी गए हो घूमने जंगलों में गाँव के, वहां पर गाय मर गई, पड़े पड़े उसकी हड्डियां निकल आई, उसकी डेड बॉडी खा जाते हैं कुत्ते और चिड़िया कबूतर क्या कहला गिद्ध वगैरह, और खा जाते हैं, चील खा जाती है और हड्डियां बचती है, वो सारी हड्डियां गांव वाले कलेक्ट कर करके वहां भेज देते हैं। आपको देखना तो उसकी पिक्चर दिखाई जा सकती है। उन हड्डियों का प्रयोग बिस्किट बनाने में तक किया जाता है, गाजियाबाद में उसके बिस्किट बनाए जाते हैं। मैंने हम आपको इसकी पूरी पिक्चर दिखाएंगे तो आपको बड़ी भयानक लगेगी, केवल हमें इतना बताना है कि इसमें कोई दो राय नहीं है। दांत मारने की सच बताएं तो जरूरत ही नहीं पड़ती, यदि हमारा खान पान सही हो, यदि हमारा खान पान सही हो तो हमें दांत मारने की जरूरत नहीं पड़े। आप कभी गाय के दांत देखे कितने अच्छे हैं, बैल के दांत देखे कितने बढ़िया है, जानवरों के दांत कितने मजबूत होते हैं आप देखिए, क्योंकि उनके पास हाथ नहीं है ना, इसलिए वो उंगली नहीं डालते, इसलिए उनके दांत बच गए। अपने पास हाथ भी होता है, उंगली भी होती है, और फिर एक ब्रश भी होता है। अब देखो आपको मजाक लग रही है, मैं झूठ बोल रहा हूँ ऐसा लग रहा है ना, लेकिन अन्योन्य भाव का कमाल है। आप जित बेटे नहीं कर, आप भी अब करोगे सारे ऐसे ऐसे करने लगेंगे। थोड़ी देर धीरे रखो, जो पसीना आता है ना वो अपने को ठंडा करने के लिए आता है। आप जितना पसीना सुखाएंगे पसीना और ज्यादा आएगा, बस शांति से बैठ के सुनिए, बराबर। चले आगे, चले आगे चलो। दवाई से ठीक होते हैं कि नहीं होते? अब दवाई भी एक पुद्गल की पर्याय है और ये शरीर भी एक पुद्गल की पर्याय है, दवाइयों से ठीक होते कि नहीं होते? अब जैन दर्शन का पूरा मुनिराजों का संयम, पंचम गुणस्थान वर्तियों का संयम अन्योन्य भाव पर टिका हुआ है। दिगंबर मुनिराज ऑपरेशन नहीं कराते, दवाइयां नहीं लेते, बार बार नहीं खाते, रात को पानी नहीं पीते, 24 घंटे में एक आहार लेते हैं, अंतराय आ जाए तो 5-5 दिन तक आहार नहीं मिलता। आदिनाथ भगवान को कितने दिन तक आहार नहीं मिला था? 13 महीना 9 दिन, 13 महीना 9 दिन तक आदिनाथ को आहार नहीं मिला, लेकिन उन्होंने आहार करने के लिए गलत उपाय नहीं की। मांगा नहीं, ये भैया रोटी दो, कब कितने दिन हो गए भूखे मारे कोई रोटी दो, ऐसा नहीं कहा। नहीं मिला तो नहीं मिला, अंतराय का पालन किया तो फिर उनका शरीर तो कमजोर हो गया होगा। बोलो भाई तुमने पढ़ी कोई पूजन पढ़ी है? आपको याद आ रही कोई? भोजन से जीवन चलता है। बोली लाइन, मैं मान रहा था अब तक प्रभु जीवन चलता, भोजन बिन नरकों में जीवन भर पेट मन के क्यों मरता। क्या गजब है, भर पेट रोटी खा रहे तो भी मर रहे और नरक में खाते नहीं है तो भी जिंदा। तो आदमी को तो खाना पड़ती है नहीं, तो कितने दिगंबर मुनिराज ऐसे होते हैं आहार नहीं लें तो भी रिद्धियां प्रकट हो जाती हैं। शरीर में रहने पर भी अनंत भगवान कितनी रोटी खाते हैं? पानी पीते हैं एक गिलास, एक गिलास रोज नहीं पीते, घी पीते हैं। क्या कमाल है मुनिराज, गड़धर गड़धर आहार लेने नहीं जाए कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब इसी शरीर में भी भोजन की जरूरत नहीं पड़ती, बसरते हमारा अन्योन्य भाव का सद्धांत सच्चा हो। आपको भी रिद्धि प्रकट हो जाएगी, खाना ही नहीं पड़ेगा। आत्मा तो कभी खाता ही नहीं है, लेकिन शरीर में भी भोजन की जरूरत, आप चाहें तो अभी भी पता लगा सकते हैं। एक लड़की है करीब 400 किलो की है, 500 किलो की, उसका वजन ज्यादा है तो उसका बढ़ रहा है, वजन बढ़ रहा है तो डॉक्टर ने उसका भोजन बंद कर दिया, 24 घंटे वो पानी पीती है केवल। पानी पीने पर भी बेचारी का वजन 50 किलो बढ़ गया एक साल में, ओनली पानी पीने पर भी वजन बढ़ गया। अब बताओ ना वो विटामिन खा रही, ना प्रोटीन खा रही, ना एंजाइम्स ले रही, कुछ नहीं ले रही और केवल पानी पी रही तो भी वजन बढ़ गया, इसका क्या मतलब निकला? हाँ, शरीर को तुम्हें रोटी दाल चावल से लेना देना नहीं है। आगे चलो, देखो बेटे बहुत प्रैक्टिकल बात बतानी है।
यदि आपको साल भर दूध नहीं मिले ना तो 24 घंटा आप भले सब कुछ खा रहे हो, भले ही आप घी खा रहे हो, हलवा खा रहे हो, रोटी दाल चावल खा रहे हो, लेकिन तुम साल भर दूध नहीं पियो तो तुम्हें अंदर अंदर एक ही चीज याद रहेगी, दूध नहीं पिया। एक साल से दूध नहीं पिया, भले ही हम आपको सब कुछ खिला रहे हैं तो हमारा दिमाग वहीं रहेगा। लेकिन आज हम आपसे कह रहे हैं, आपको समझ में तो नहीं आएगी, पता नहीं समझ में आएगी कि नहीं आएगी, लेकिन मैं समझा रहा हूँ। विश्वरूप राज चौधरी है, विश्वरूप राज चौधरी, आप उसका यदि वीडियो सुनेंगे ना तो उसने कहा है ये बात झूठी है कि किस चीज में से कौन सा विटामिन और प्रोटीन मिलता है, ये बात झूठी है। दो आदमी एक नींबू खाएं और हो सकता है एक को 10 ml और एक को 5 ml विटामिन सी मिले और एक व्यक्ति को विटामिन सी 0 मिले, ऐसा हो सकता है? बोलो, नींबू में विटामिन सी पाया जाता है, तो जो आदमी विटामिन मतलब नींबू खाएगा तो उसे विटामिन सी मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? अरे बोलो, मिलना चाहिए कि नहीं? काहे नहीं मिलना चाहिए? क्यों नहीं मिलेगा? तीन आदमी एक को 0 मिल रहा है, एक को 5, एक को 10, क्यों? उन्होंने गणित बताया, शरीर विटामिन उसमें से नहीं लेता है, उसे जितनी जरूरत होती उतना लेता है। यदि आप पानी अकेला पी लेना, पानी अकेला, तो जितना घी आपको चाहिए था दूध में से वो पानी में से बना के ले लेगा। अब कैसी हास्यास्पद बात लग रही होगी, आप समता के साथ 64 रिद्धि का विधान है, 64 रिद्धि आप सुबह बोल पढ़ते ना, अक्षीण संभाष महान साक्ष्य पढ़ते हो, उसमें 64 रिद्धि का पाठ है, दिगंबर मुनिराज जहर लें और अमृत बन जाता है, कोई जहर दे दे उनके हाथ में तो अमृत बन जाएगा, वे पानी लें तो घी बन जाएगा, खीर खीर बन जाएगी, माने आप कुछ भी खिला दो। आपको याद है चंदन वाला ने आहार दिया था तो उनके हाथ में जाकर क्या बन गया था? सब बढ़िया स्वादिष्ट भोजन बन गया था, अच्छा बन गया, बढ़िया जोरदार। हमारा कहने का मतलब ये है, ऐसे हम जो ग्रहण करते हैं, जो खाते पीते हैं, उसमें से बॉडी को जो चाहिए होता वो मिल जाता है। आपने ऐसे लोग देखे होंगे, बहुत प्रैक्टिकल बता दे रहे, करोड़पति आदमी है, रोज बादाम खा रहा है, हलवा खा रहा है, घी खा रहा है, दूध पी रहा है, सब कुछ कर रहा है, और एक व्यक्ति है किसान या क्या कहलाता है, पोर्टर, कुली, मजदूर, वो कुछ खाने के लिए नहीं है, मात्र मिर्ची से या प्याज से रोटी खा रहा है और इतने मोटे मोटे टिक्कर खा रहा है, देखा है कभी आपने मोटी मोटी रोटी खाते हुए लोगों को, और ये बिल्कुल पतली पतली रोटी खा रहा है, बता सकते हो दोनों में से ताकत किसको होगी? वो केवल रोटी और प्याज खा रहा है, और ये हलवा खा रहा है, बादाम खा रहा है, दूध पी रहा है, रबड़ी खा रहा है, और भी कुछ खिलाना तो खिला दो, सब कुछ खा रहा है, बढ़िया भोजन। बोलो दोनों में ताकत किसकी ज्यादा होगी, बता सकते हो? आप प्रैक्टिकल जाके देखो, जिसे आप सोच रहे हो उसे ताकत नहीं होगी, रोटी खाने वाला, पूरी रोटी खाने वाला दमदार है, ताकत है, हार जाओगे आप। हमें ये नहीं कहना है कि वो कहां से आती हो, कि आपके शरीर को जितनी शक्ति लेना होती है उतनी ले लेता है। समझ में आ गई बात? ये बात मुझे क्या बतानी है, दो बच्चे दूध पिए, एक बच्चे को दस्त लग गए और एक को ताकत आई, दूध एक जैसा है तो दोनों बच्चों को एक जैसी ताकत आनी चाहिए ना? बोलो, समझ में आया कि नहीं? अब बोलो, हेल्दी रहने के लिए दूध पीना जरूरी है कि घी खाना जरूरी है? यदि मैं आपसे कहूं तो फिर क्या जरूरी है, कि भेद विज्ञान जरूरी है, समता जरूरी है? समता, क्या बोला हमने, भेद विज्ञान और समता जरूरी है। साइड वाली जला बेटे, एक साइड की, बीच की मत जला, जितने साइड की जलाओगे उतना अच्छा, कहीं का एक साइड जला, कीड़े आएंगे आज। चलो इधर देखिए, बढ़िया, समझ में आ रही बात? और इससे हमें क्या फायदा हुआ, कि जिंदगी में खाने का रोना नहीं रोना, हमने इतने साल से लड्डू नहीं खाए, मत खा, शरीर को जितना चाहिए उतना मिल जाएगा। एक बात पूछूं आपको, जितने जानवर होते हैं इनका कोई डाइट चार्ट होता है? 5 ग्राम मूंग की दाल, 2 ग्राम की
पांच ग्राम, छह ग्राम, पचास ग्राम मटर की सब्जी, 83 लाख योनी, फिर से वापस है, मैं कम बोल रहा हूँ, एक योनी छोड़ करके 84 लाख योनी थी ना, तो 83,99,999 योनी वाले जीवों का कोई डाइट चार्ट नहीं, कोई डाइट चार्ट नहीं उनका, और सब मस्त रहते हैं। और आदमी का सबसे बड़ा डाइट चार्ट है, आप डॉक्टर के पास जाओ सबसे पहले वो आपका डाइट चार्ट सेट करेगा, आप दो रोटी खाइए, एक चम्मच चावल खाइए, और इसके बावजूद बेचारे का पेट खराब, इसके बावजूद भी बीमार, आगे समझ आ रही है आपको बात? तो एक सबसे बड़ी बात हो गई कि शरीर के जो शरीर है ना, शरीर वो दूसरे पुद्गल के भरोसे नहीं है। अब बोलिए भाई, गवर्नमेंट का जो विज्ञापन आता है, संडे हो या मंडे, विज्ञापन सुना है आपने, संडे हो या मंडे, अब वे तो कह रहे रोज खाओ लेकिन नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ऐसी और चीजों में लगा ली ना आप। यहाँ पर अन्योन्य भाव के माध्यम से सारा श्रद्धान करा दिया आपको, पता है, फिर से कह रहा हूं आपको, एक मनुष्य के बिना, एक मनुष्य के अलावा कोई नमक नहीं खा रहा, पशु पक्षी कोई नमक नहीं खाते अलग से, पशु पक्षी कभी शक्कर नहीं खाते अलग से, एक भी जीव जंतु मिठाई नहीं खाते, नमकीन नहीं खाते, इसीलिए वे स्वस्थ हैं। और हमारे पास किस्मत है ना थोड़ी सी तो हम जब देखो, जब नमक, मिर्च, घी, फ्राइड फ्राई कर करके खाना, इसीलिए हम बीमार होते। अब मेरे से आप पूछो, अन्योन्य भाव को समझने के बाद दी बेस्ट मेडिकल साइंस, अन्योन्य भाव समझ लो आपको कभी दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप कह रहे थे ना कि भाई साहब को इतनी तकलीफ हो गई थी, और डायलिसिस करें कि ये करें कि वो करें कि नहीं करें, और अपने आप ही सही हो गए। अपने आप क्यों सही हो गए? इससे सिद्ध होता है असाता वेदनी जाती है, और बिना खाए पिए वही दवाई पानी वही है, उसी में से फिर सही हो गए। आपकी समझ में आ रही है? थोड़ी कठिन तो लग रही होगी, क्योंकि प्रैक्टिकल के एकदम विरुद्ध है ये बात, जितनी चर्चा कर रहे हो कैसी लग रही, उल्टी उल्टी लग रही होगी सारी बात। बता भैया, पेट्रोल से मोटर चलती है कि नहीं? अब सारी दुनिया कहेगी पेट्रोल से मोटर चलती है, कैंची से कागज, सारी दुनिया कहेगी कटता, तुम भी कहोगे। लेकिन अभी अभी अपन अन्योन्य भाव पढ़ रहे हैं, ये अन्योन्य भाव का अद्भुत कमाल। समझ में आ गई बात आपको? फिर से चलो, फिर से सुनना ध्यान से। सारे समाज को ये तकलीफ होती है कि मुहिराज बेचारे बहुत दुखी हैं, उन बेचारों ने सट रस त्याग कर दिए, ना तो नमक खा रहे, ना शक्कर खा रहे, ना सब्जी खा रहे, ना घी खा रहे, बताओ इनके जीवन में काहे का सुख, और दवाई नहीं लेंगे तो ठीक कैसे होंगे? अभी तक सुनते हो ना आप लोग, क्या बोलते हैं, दवाई खाए बिना कोई ठीक हो सकता है? लेकिन अन्योन्य भाव कहता है हाँ हो सकता है, दवाई की कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इससे ये फायदा हो गया सबसे बड़ा, सभी लोग एक काम की बात सुनना, पीछे पीछे बैठे अच्छे से सुनो, ध्यान से काम की बात सुनो। अमेरिका में बुखार की दवाई मांस से बनाते हैं, और भारत में बुखार की दवाई हम कड़ुआ चरायता खाते हैं, हम मांस मछली में से दवाई नहीं बनाते, वे लोग अंडे में से दवाइयां बनाते हैं जाने काय काय की, हम लोग नहीं बनाते। और कमाल की बात है, अलग अलग देशों में बुखार उतारने के लिए अलग अलग प्रकार की दवाइयां हैं, कुछ मांसाहारी कुछ बिना मांस की, इसके बावजूद सबका बुखार उतर जाता है। अब हम आपसे पूछ रहे, बुखार उतारने के लिए एक ही दवाई चाहिए या साता वेदनी का उदय चाहिए? इसका मतलब तो यह निकला, कई बार हमें ऐसा लगता है अब हम क्या कर रहे हैं, हमें मांसाहारी दवाई खानी पड़ रही है, वो कैप्सूल नॉन वेज है तो भी खाना पड़ रहा है। एक आपको पता है लीवर जब खराब हो जाता है ना बच्चों का लीवर, तो लीवर के लिए दवाई आती है LIV-52, कैप्सूल भी आता है और पीने की दवाई भी आती है, LIV-52 नाम सुना है आपने? LIV-52। अब वो काय से बनता है पता है? एक कॉड लीवर होता है, कॉड लीवर माने एक मछली होती है कॉड नाम की, तो उसका लीवर में सबसे ज्यादा तेल पाया जाता है। तो ये लोग क्या करते हैं, मछली को पकड़ करके उसे मार के उसकी लीवर निकालते हैं, और लीवर को बॉइल करके उसका तेल निकालते हैं, और उस तेल का कैप्सूल बनाते हैं, और उसी तेल को डाल करके पीने की दवाई बना देते हैं। अब हमारा लीवर खराब हुआ जैन साहब का, जो कभी पानी तक छान के पीते हैं रोज,
रात्रि भोजन नहीं करते और पानी छान के पीते, लेकिन वो कोड लीवर वो लीव 52 कैप्सूल खा लिए। जिंदगी में कभी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको लीव 52 खाने की, मांसाहारी दवाई खाने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं तो पिछली बार जब आया हूं कभी कई बार, तो मैंने कई बार ये चीज पढ़ाई है, कई चीजें पढ़ाई मैंने हेल्थ के संबंध में, स्वास्थ्य के संबंध में। आपको जो हो जाते हैं ना, अभी आप बच्चे तो अच्छे दिख रहे हो, लेकिन कोई कोई की आ जाते हैं पिंपल, क्या बोलते हैं आप, है ना, या फुंसियां निकल आती है, पिंपल निकल आते हैं और बढ़ते ही चले जाते हैं किसी किसी के। तो इसकी कोई दवाई वर्ल्ड में नहीं बनी। आपका वो क्रीम तो आती है बोरोलिन और क्या क्या, बोरोलिन से कोई ठीक नहीं हुआ आज तक, एक भी दवाई नहीं इसकी। तो सर फिर हम क्या करें, बोलूंगा आपको, आप अन्योन्य भाव का सावधान रखो, कोई दवाई लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब भी आपको पिंपल्स आ जाए तो एक ही काम करना, आप संयम का पालन करना। संयम का पालन समझ गए आप, पिंपल्स आते हैं फ्राइड चीजें खाने से, फ्राइड समझ गए, तली हुई चीजें, तली हुई चीजें खाइए और आपको पचेगी नहीं तो पिंपल बन जाएगी। आपको वो चीज खानी है तली हुई, तो आप निश्चित मात्रा में थोड़ी सी खा लीजिए और उसके ऊपर फिर भर पेट सब्जी और सलाद खा लीजिए, आपको पिंपल कभी नहीं आएंगे। हम लोग रोज नींबू इस्तेमाल करते हैं, यदि आप नींबू और आंवला खा लें, कुछ भी खा लें, तो पिंपल कभी नहीं आएंगे। लेकिन आप गलत खान पान करें, जैसे जो बर्गर खाते हैं, पिज्जा खाते हैं, नूडल खाते हैं और फिर पेट में पचता नहीं, आपने देखा 48 घंटे लगता है एक पिज्जा को या काय को बर्गर को पचाने के लिए। बच्चे मोटे होते चले जाते हैं, आपने देखा होगा, खा लिया वो बाजार में जाकर के वो पास्ता वगैरह जो क्या क्या होते हैं, बिल्कुल महीन आटे का होता है वो। अब पेट में खराब हो गया, पाचन खराब हो गया, तो आप जो पिंपल निकलने लगे, कई बच्चों में फोड़े फुंसी निकल आते हैं, आपने देखे होंगे। तो ये गलत खान पान से हुआ। यदि हम संयम का पालन करेंगे, शुद्ध सात्विक खान पान करेंगे, तो हमारे लिए बीमारी कभी कभी नहीं होगी। आगे समझ में आई आपको, कौन सा भाव पढ़ा दिया अपने, अन्योन्य भाव। अन्योन्य भाव में खास तौर से हमने ये बताया कि दो पुद्गल पर्याय, चाहे वो साबुन की हो, उससे हम नहीं अच्छे होते, आगे बोलो, दवाइयों से ठीक नहीं होते, और खाने के लिए कोई पराधीनता नहीं कि दूध ही चाहिए, मिले तो जरूर पियो, मना ही नहीं है, लेकिन दूध से ताकत नहीं आती है, घी से ताकत नहीं आती है। अभी सुनने में कैसी उल्टी उल्टी लग रही होंगी, अब तुम घर जाओगे तो मम्मी सबसे पहले बेटा दूध पियो, थोड़ी ताकत बढ़ जाए। लेकिन दूध से ताकत आती हो तो जो लोग बहुत दूध पीते हैं उनकी ताकत बढ़ना चाहिए, नहीं ऐसा दिखाई देता नहीं। तो अन्योन्य भाव में से ये बात का ध्यान रखेंगे, चर्चा तो इसमें बहुत है, लेकिन आपके काम की इतनी बात है। अब इससे स्वास्थ्य के संबंध में कभी होगी चर्चा, तो मैंने पहले की है, वैसे यहाँ रिकॉर्डिंग भी होगी, आप जब बड़े हो जाएं तो सुन लेना, और किसी कोई तकलीफ हो तो मिल भी लेना हमसे, चाहे आंखों का चश्मा हो, चाहे पेट खराब हो। हाँ भाई, सब बच्चों को लेटरिंग में कितना टाइम लगता है, एक मिनट की आधा मिनट ये बिल्कुल ध्यान रखना बेटे, यदि आप एक मिनट पेट साफ नहीं होता है तो आप समझना आपका पेट खराब है। और जो बच्चे ठंडों में खास तौर से गड़बड़ करते हैं, ठंडों में बच्चे क्या सोचते हैं, रात को 10 बजे उनका प्रेशर बना और रजाई में घुसे अपनी आप खो जा रहे और सुबह चले जाएंगे, सुबह के चक्कर में वो सूख गया, पूरा सूख गया अंदर। अब सुबह देखा तो उतना प्रेशर नहीं लगा था, फिर तो मैं सोचा चलो थैंक्स गॉड, ना रात को जाना पड़ा ना सुबह जाना पड़ा। और कई बच्चे ऐसे होते हैं हॉस्टल में, वे दो दो तीन तीन दिन जाते ही नहीं, लेकिन ऐसा नहीं करना आपको, यदि दो टाइम खाओ और दो टाइम जाओ क्या कहा हमने, दो बार खाओ। क्यों ऐसा हो सकता है, ये अलीगढ़ है, ये अलीगढ़, ये दिल्ली है, सुबह 6 बजे चलने वाली ट्रेन शाम को 6 बजे पहुंचती है, और शाम को 6 बजे वाली ट्रेन भी शाम को 6 बजे पहुंच जाएगी, तो दो टाइम की ट्रेन छूटेगी इस स्टेशन से, तो डेस्टिनेशन पर कब पहुंचेगी, एक संग तो दो टाइम खाओ दो टाइम जाओ, और आलस नहीं करना ठंडों के दिनों में। ठंडों में बच्चे लोग बहुत हैरान होते हैं इस मामले, कौन जाए। अच्छा एक बात और मुझे कहना है, सही बोलोगे मंदिर में कि झूठ बोलोगे, ये बोलो, मंदिर में सही बोलोगे झूठ बोलोगे, जल्दी बोलो।
आवाज नहीं आई, इसका मतलब झूठ बोलोगे। पक्का? कितने बच्चे ऐसे हैं जो ये दो काम जरूर करते हैं कि लेटरिन जाएंगे तो सुबह जब आप जाते हैं तो आकर के नहा लेते हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बाकी टाइम में दोपहर या शाम को जाएं तो कपड़े बदल करके जाएं। आप वही अंडरवियर पहन के चले गए मान चलिए और कमोड पर बैठ गए और फिर आकर के आप भगवान के जिनवाणी छूते हो, मंदिर में आते हो, तो ये गलत बात है। ऐसे कितने बच्चे होंगे ईमानदारी से बताना जो यदि सुबह सुबह जाते हैं फिर नहा लेते हैं वो तो कोई बात नहीं, लेकिन दोपहर में जाना हो, शाम को जाना हो, नहा नहीं रहे, अंडरवियर चेंज नहीं कर रहे, बनियान चेंज नहीं कर रहे, तो ऐसे कितने बच्चे होंगे ईमानदारी से बताइए कि जो कपड़े पहन करके लेटरिन जाते हैं चेंज नहीं करते। एक बच्चा, वेरी गुड। दो, तीन, चार, पांच, वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू। ईमानदारी से हाथ खड़े करिए, शाबाश, वेरी गुड। क्या आप सुधार करना चाहेंगे इसमें? आप बताइए। आपको मैं बहुत काम की बात बताऊं, यदि मैं लेटरिन से आऊं और हाथ ना धोऊं तो आपको कैसा लगेगा? गलत लगे, पक्की बात है। अब कल्पना कीजिए वो लेटरिन के हाथ में धोए बिना अंडरवियर छू लूं तो कैसा लगेगा? लेटरिन के हाथ धोए बिना मैं बनियान छू तो कैसा लगेगा? बुरा लगे, पक्का? अब मैं आपको कहता हूं, हम हाथ तो फिर भी धो लेते हैं लेकिन लेटरिन के बाद अंडरवियर सीधी पहन लिया अपन ने, हाथ तो नहीं धोए ना, साबुन से तो नहीं मांजा, तो वो अंडरवियर कैसी होगी? सोचो आप, वो गंदी हुई। यूरिन करने आप गए और एक आध ड्रॉप उसमें गिर गई और फिर हमने जिनवाणी छुई, तो हम हरिजन जैसा काम कर रहे, समझो गटर में हाथ डालने जैसा काम कर रहे। तो मैं चाहूंगा अगली बार थोड़ी मेहनत करेंगे अपन, अपने कॉमन बाथरूम में दो चार टॉवल डलवा देते हैं, आपके अंदर टॉवल रखवा देते हैं, जब भी हम लेटरिन जाएंगे टॉवल पहन करके जाएंगे, आएंगे टॉवल वहां टांग देंगे। तीन बार हाथ धोने वाले बच्चे कितने हैं आप में से? एक, वेरी गुड। दो, तीन, कोई बात नहीं। अगली बार चार बच्चे ऐसे हैं जो तीन बार हाथ धोते हैं, वेरी गुड। मैं ये बताना चाह रहा हूं तीन बार हाथ जरूर धोइए, दो बार भी नहीं, तीन बार। और एक सुनो, बोलूं आपको, एक बनीता बोधनी नाम का एक ग्रंथ है, उसमें लिखा है कि लोग लेटरिन बाथरूम जाते थे तो लेटरिन करने के बाद हम सोचते हैं, तो वहां पर भी साबुन से सोचना चाहिए। नंबर वन, साबुन से सोचना चाहिए, मिट्टी हो तो मिट्टी से सोचना चाहिए, और सबसे आखिरी ताकि हमारी वो गंदगी लगी ना रह जाए, गंदगी मतलब पानी, गंदा पानी, वो अंडरवियर वगैरह ना छुए। फिर दूसरी बार में उस हाथ को धो लीजिए अच्छी तरह से, फिर दो बार ये दोनों हाथ मलमल करके अच्छे से धो लीजिए। आपने देखा वो टेलीविजन पे विज्ञापन दिखाना पड़ते हैं उन्हें हाथ धोने का, क्योंकि हाथों में जर्म्स होते हैं, तीन से बचना चाहिए हेल्थ के लिए, बराबर? तीन बार हाथ धोएंगे आप सब लोग, पक्का प्रॉमिस? कितने लोग मंदिर में प्रॉमिस कर रहे हैं मेरे से कि लेटरिन के कपड़े बदल के जाएंगे और तीन बार हाथ धोएंगे? नहीं कर रहे हो? डर लग रहा है भाई? इनके लिए टॉवल लगवा देंगे, पुराने कपड़े भी हो जैसा हो टॉवल रख देंगे, वेरी गुड, थैंक यू बेटे। भाई ये इसी सिखाने के लिए तो बेटे हम आपको यहाँ लाए हैं, ताकि आप में जैनत हो बचे। उन बच्चों से हम जैनत की आशा नहीं कर सकते जो यहाँ नहीं है, जो अच्छे स्कूलों में नहीं पढ़ रहे हैं, तो आप में जैनत जरूर आना चाहिए। कल आपको मुनिराजों को आहारदान देना हो, गंदे कपड़े पहने हो आप, अशुद्ध कपड़े पहने हो, आपको मुनिराज की भैया वृत्ति करना हो, आपके कपड़े अशुद्ध हो, तो आप कैसे करेंगे? तो इन बातों का अपन ध्यान रखेंगे, टाइम हो गया है।